हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एक्चुअल एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी क्या कुछ होना चाहिए। तो प्रिपरेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, ये हमने पिछले कुछ वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। कट ऑफ्स क्या कुछ हो सकता है वो भी हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया, तो उसका वीडियो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में वापस शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो बातें मुझे दोहरानी ना पड़े। तो अभी इस वीडियो में हम प्योरली बात करेंगे एक्चुअल एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम का प्लानिंग क्या कुछ होना चाहिए। क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में अभी SBI प्योर क्लरिकल में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो चेंजेस समझना ज़रूरी है। उसके वजह से स्ट्रेटजी में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं या कुछ हो सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले लास्ट ईयर तक हम क्या कुछ बता रहे थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसके ऊपर हम फोकस करते थे। और उसी के साथ में चेंजेस भी डिस्कस कर रहा हूँ, इस साल क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। सो टिल लास्ट ईयर वी यूज्ड टू डिस्कस दीज इम्पॉर्टेंट थिंग, कि सीक्वेंस आपका क्या कुछ होना चाहिए एग्जाम का, आपके तीनों सेक्शंस का। दूसरा था टाइम पर सेक्शन क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज क्वेश्चन सिलेक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और आपका चौथा इम्पॉर्टेंट पार्ट था स्ट्रेटजी का, कि टाइम पर क्वेश्चन, ठीक है, जिसके ऊपर आपका स्पीड और एक्यूरेसी भी मैटर करने वाला है। ये चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम डिस्कस करते थे टिल लास्ट ईयर और टिल लास्ट एग्जाम। अभी इस साल चेंज क्या हुआ है, फिर सबसे पहला चेंज बड़ा ये हुआ कि उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ हटा दी, लेकिन सेक्शनल टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है। तो अभी ये जो इंग्लिश कॉन्ट और रीजनिंग जो है, इसका टाइम लिमिट उन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है 20 मिनट और 20 मिनट। तो ये जो चार पॉइंट का स्ट्रेटजी हुआ करता था, उसमें से ये सेकेंड पॉइंट तो अभी वैलिड ही नहीं है। इट डजंट मेक सेंस इन डिस्कसिंग दिस, हर एक सेक्शन में कितना टाइम देना। तो पहले वो आपके हाथ में था कि किसको कितना वक्त देना है। मैथ्स को आप चाहो तो ज़्यादा दे सकते थे, इंग्लिश को चाहो तो कम दे सकते थे, ना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी बात जो बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है या नहीं समझी है, वो ये है कि सेक्शन का सीक्वेंस आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो लाइक पहले आप चाहो तो इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते थे, फिर मैथ्स ले सकते थे, फिर रीजनिंग ले सकते थे। अभी वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, अभी पहला सेक्शन ऑटोमेटिकली फिक्स रहेगा, यू कैन नॉट स्किप दैट, ठीक है। तो ये एक बड़ा चेंज है। और दूसरा सेक्शन में जाने के बाद अगर आपको लगा, चलो पहला सेक्शन इंग्लिश का था खत्म हो गया, दूसरे सेक्शन पे आप मैथ्स पे चले गए और आपको लगा कि अभी इंग्लिश पे वापस जाए, तो वो भी पॉसिबिली ये भी अभी स्टॉप हो चुका है। मतलब पहला सेक्शन अगर इंग्लिश है तो आपके स्लॉट में हर किसी को पहला सेक्शन इंग्लिश रहेगा, 20 मिनट तक आपको इंग्लिश ही सॉल्व करना है, और 20 मिनट खत्म होते ही ऑटोमेटिकली वो सेक्शन सबमिट हो जाएगा। तो अगर थोड़ी देर बाद आपको पीछे मुड़ने का मौका नहीं रहेगा, तो सीक्वेंस विल बी फिक्स और वो सीक्वेंस भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट भी आपके स्ट्रेटजी से चला गया। तो जो फोर पॉइंट स्ट्रेटजी मेनली हुआ करता था, उसमें से दो पॉइंट तो उन्होंने नोटिफिकेशन में ही निकाल दिए, लेकिन I strongly believe most probably the sequence will be this only, ठीक है। I believe almost 80-90% chance ये sequence यही रहेगा, because अगर पिछले दो सालों के जो भी मैंने papers students से मुझे feedback मिला, review मिला, उस हर किसी paper में almost पहला section सबका English रहता था by default। मतलब आप choice करते वो अलग था, but by default almost बहुत बार पहला paper English रहता था, दूसरा section क्वान्टिटी एप्टीट्यूड रहता था, और लास्ट सेक्शन रीजनिंग रहता था। उसके बाद आपका चॉइस अलग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई बिलीव इस साल वही फॉर्मेट अगर फॉलो करेंगे तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सीक्वेंस ये रहेगा, ठीक है। बट स्टिल डिफरेंट सीक्वेंस भी आप थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिकॉज अगर मैथ्स पहले आ गया और जिसका मैथ्स गंदा है, तो शायद वो साइकोलॉजिकली थोड़ा फर्क क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये दो बात हो चुकी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये दो पॉइंट्स पे ही पूरा गेम है, लाइक आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला या खराब आने वाला, ये दो पॉइंट्स पे रहेगा। एंड स्पेशली फर्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन सिलेक्शन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने सही क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ ईजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन उठाए,
आपका कम वक्त में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं। और एक बात, क्वेश्चन सिलेक्शन कौन सा करना चाहेंगे उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर किया कि कौन से इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट टॉपिक्स पिछले कुछ सालों से आते रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन से क्वेश्चन कभी करने और कभी नहीं करने हैं, ये भी सुन लो। खास करके रीजनिंग की बात करें तो वी ऑल नो ऑलमोस्ट 15 से 20 मार्क का पजल आएगा, उसमें चार पजल होंगे, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सारे चार पजल सॉल्व करने लायक नहीं होता। उसमें से दो पजल ऐसे रहेंगे कि वो आपका टाइम खराब कर सकता है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों और कैसे रहेगा, लाइक अगर आपके शुरुआत में ही पेपर के आपको पजल मिला है, वो आइडेंटिफाई करना कि ये पजल करने लायक है या छोड़ने लायक है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड फॉर दैट प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका वो जजमेंट इम्प्रूव होगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बैट्समैन हर किसी बॉल पर चौका नहीं लगाता, एक ओवर में छः के छः चौके नहीं लगते, बट एक या दो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं हर किसी बैट्समैन को, वो अपॉर्चुनिटीज कैच करने आना चाहिए। सेम विल बी वैलिड फॉर योर एग्जाम। तो अच्छे पजल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। वन मोर थिंग, और एक गैम्बल बहुत बार लोग खेलते हैं जो यहाँ पर प्लीज मत करना, एटलीस्ट प्रीलिम एग्जाम में मत करो। रीजनिंग का वापस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पजल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिमिलर एग्जाम्पल इंग्लिश में भी क्रिएट हो सकता है कि इफ पॉसिबल ये सेक्शन 20 मिनट का है, ये लास्ट में तो सेक्शन के या पेपर के एंड के 5-6-7-8 मिनट में ग्रुप क्वेश्चन आइडियली प्रिफर मत करो, खास करके पजल जैसा क्वेश्चन। लेकिन पजल आप लास्ट के 5 मिनट पजल को हाथ लगा रहे हो, वो आसान भी रहेगा, लेकिन अगर उसने 5 का 6 मिनट भी कर लिया तो आपके पास शायद आंसर मार्किंग करने तक पेपर आपका सबमिट हो जाएगा, ये एक डिसएडवांटेज बन सकता है। तो वन मोर थिंग, पेपर के और सेक्शन के एंड के 5-6 मिनट में ग्रुप क्वेश्चन को हाथ मत लगाओ। जैसे यहाँ पर पजल सॉल्व हुआ तो सारे 5 मिलेंगे, लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं हुआ, 5 मिनट से ज़्यादा वक्त ले लिया तो सारे 5 गए। उससे अच्छा सिंगल क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो, खास करके जब आप एंड में हो सेक्शन के। सेम इंग्लिश में भी मैं कहूँगा, इंग्लिश में जंबल्ड पैराग्राफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है, मैं बहुत बार लोगों को रिकमेंड करता हूँ, वो तो ऑलमोस्ट करना ही नहीं है और पेपर के एंड में तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो लास्ट के 5-6 मिनट में अगर आप जंबल्ड पैराग्राफ हाथ लगा रहे हो, खास करके ऑफिस पीओ एग्जाम में, तो वो टफ रहेगा। वो 5 मिनट में सॉल्व हुआ ठीक, 5-6 मिनट में नहीं हुआ तो पूरा ग्रुप हाथ से गया, 6 मिनट भी गया। वही 6 मिनट अगर आप किसी दूसरी जगह पर यूटिलाइज करते तो शायद 3 क्वेश्चन तो हाथ लग सकते थे। सो क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में ये बात इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप अपने क्वेश्चन फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू शुड बी एबल टू फाइंड योर स्ट्रेंथ एरिया एंड योर गुड क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन सिलेक्शन, और क्वेश्चन सिलेक्शन पर ही मैटर करेगा वापस टाइम पर क्वेश्चन, लाइक आइडियली कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो जितने आपने अच्छे क्वेश्चन और फैमिलियर क्वेश्चन ढूंढे, उतने आपके 2-4 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में एक्स्ट्रा हो सकते हैं। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कितना अटेम्प्ट पॉसिबल है वो भी मैं लिख रहा हूँ। पीओ की बात करें, इंग्लिश आपको ऑलमोस्ट 15 अटेम्प्ट तक तो देना ही चाहिए, ठीक है। बिकॉज इस बार भी इंग्लिश का टाइम भी 20 मिनट का है, 20 मिनट में इंग्लिश 15 आराम से देता है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 15 का 20 तक खींचना, दैट्स योर टारगेट, एंड आपका स्पीड और एक्यूरेसी के हिसाब से ये आप बढ़ा सकते हो। क्लियरली कह रहे हैं इंग्लिश अब अगेन ये लगभग आपको 17-18 तो देना चाहिए, बिकॉज क्लियरिकल का लेवल थोड़ा कम रहेगा। एंड If you ask me, English will be the section जिसमें आपको ज़्यादा अटेम्प्ट मिल सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश के क्वेश्चन जल्दी खत्म होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आधे मिनट में खत्म होते हैं, कुछ क्वेश्चन 10-20 सेकेंड लग, लाइक आपने पढ़ दिया कोई सेंटेंस करेक्शन या एरर स्पॉटिंग, या पढ़ा और खत्म हुआ, इतने वक्त में खत्म होता है। ये मैं मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ, मैक्सिमम इट्स अप टू यू। कॉन्ट में 20 मिनट के वजह से इसमें अटेम्प्ट श्योरली इसमें अटेम्प्ट कम होने वाले हर किसी के। इससे पहले हर कोई इसको ज़्यादा टाइम देता था और इंग्लिश को कम देता था, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन भी थोड़े 5 कम थे। तो ऑन एन एवरेज पीओ में आपका टारगेट होना चाहिए 10 क्वेश्चंस का। अगर पेपर आसान है तो थोड़ा 2-3 ज़्यादा भी हो सकते हैं, टफ है तो 8 अटेम्प्ट्स में भी आपका 20 मिनट खत्म हो सकता है। क्लियरिकल की बात करें तो आपका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 15 तक का।
ठीक है, बिकॉज क्लियरिकल के कट ऑफ ज्यादा लगेंगे, ओवरऑल कट ऑफ बढ़ने वाला, इतना याद रहता है। तो योर टारगेट शुड बी अराउंड 15। रीजनिंग पीओ में आपको ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन तक वापस इसके आसपास जरूर देना चाहिए। अभी ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ये पेपर प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा इसके लिए जाके अटेम्प्ट करो, बिकॉज आपके पेपर प्रैक्टिस में जितना ऑलमोस्ट आपने किया वही आपके एक्चुअल एग्जाम में भी होने वाला है। यहाँ पर ये लगभग 18-20 तक खींचा जा सकता है ना। ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करें तो पीओ का ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो मैंने पिछले कट ऑफ के वीडियो में भी बताया था, इट शुड बी प्लस 50 प्लस और माइनस 5, तो 50 का टारगेट रखना। तो आप बोलोगे ये टोटल तो 50 नहीं होता, तो देखो कोई एक सेक्शन आपका वीक है, जैसे आपका मैथ्स वीक है उसमें कम अटेम्प्ट्स हुए ठीक है, बट बाकी दो सेक्शंस में एक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जहाँ पर अटेम्प्ट्स बढ़ने चाहिए, और एक मॉडरेट है जिसमें अटेम्प्ट्स जो मैंने मिनिमम बताया वहाँ उससे थोड़े ज़्यादा आए तो अच्छा रहेगा। सेम क्लियरिकल की भी बात करें तो मैंने कहा 60 प्लस और माइनस 5, तो 60 अटेम्प्ट का टारगेट रखो। ईजी है तो 5 ज़्यादा होने वाले, डिफिकल्ट है तो 5 कम होंगे, ठीक। स्कोर की चिंता मत करो, स्कोर आपका एडजस्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट पेपर के कम क्वेश्चन ज़्यादा मार्क दे सकते हैं, ये मैंने कट ऑफ के वीडियो में आपको बताया था, आप चाहो तो वीडियो वापस देख सकते हो, ठीक है। अभी ये सबके लिए आपको पेपर प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कम से कम 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर सॉल्व होने जरूरी है, ठीक है। इसमें पहले 2 पेपर का स्कोर काउंट मत करो, देखो भी मत, बिकॉज पहले 1-2 पेपर ट्रायल एरर रहता है जिसमें लोग गड़बड़ जरूर करने वाले हैं, कभी क्वेश्चन सिलेक्शन गलत गया, कोई गेस वर्क चल गया, तो बट तीसरे टेस्ट के बाद एक एवरेज परफॉर्मेंस आपका आना स्टार्ट होगा। तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पेपर या उसके आगे आपको जितना वक्त है उतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसका एवरेज अटेम्प्ट जो स्कोर जो रहेगा ऑलमोस्ट एक्चुअल टेस्ट में भी उतना ही होने वाला है, ठीक है। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड के ये हुई टेस्ट प्रैक्टिस की बात और एग्जाम स्ट्रैटेजी की बात, अगर आप कुछ पेपर प्रैक्टिस के लिए कुछ ढूंढ रहे हो देन वी ऑल्सो हैव ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस मॉड्यूल एंड आवर स्टडी मटीरियल, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अगर आपके कुछ क्वेश्चन या सजेशन है यू कैन शेयर दैट इन द कमेंट बॉक्स। मीट अगेन विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए बाय बाय।